हमेशा जो करते हैं हमेशा एक अलग होता है, एक एज होती है उसमें, एक सोशल मैसेज होता है. सो म्यूजिक विद अ सोशल मैसेज, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए म्यूजिक एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है और विश्व भर में एंड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल म्यूजिक इज नॉट जस्ट यूज फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर सम काइंड ऑफ एड्यूटेनमेंट एंड इन्फोटेनमेंट. अर्थात म्यूजिक को लेकर हम बड़े बड़े मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ये हमने पहले भी किया है. अगर आपको याद होगा कि हमें कांस में ग्रैंड प्री ग्लास लायन से नवाजा गया था बिकॉज वी हैड यूज्ड म्यूजिक टू फॉर यशराज फिल्म्स टू क्रिएट अ बैंड ऑफ ट्रांसजेंडर्स. हिजड़ों का एक बैंड हमने बनाया था जिससे हमने कहा था कि लोग इंक्लूसिव रहें और मर्द औरत या जो हिजड़ा कम्युनिटी वाले हैं सब साथ में रहें. वैसे ही आज हम इस गाने के द्वारा लोगों तक ये बताना चाह रहे हैं कि दो लोग अगर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अगर एक छत के नीचे साथ में रहना चाहते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड देन इट्स परफेक्टली ओके. इसमें कोई बहुत बड़ा बतंगड़ बनाने की बात नहीं है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन अ रिलेशनशिप लव एंड रिस्पेक्ट आर पैरामाउंट. तो उसमें कोई मतलब नहीं है कि शादी की मोहर लगाए जाए तो ही उसको एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप माना जाए. 2022 में वक्त बदल चुका है और रिलेशनशिप्स की भाषा परिभाषा बदलती जा रही है और मैं अति प्रसन्न हूँ कि जब मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर सारेगामा के पास गया जिन्होंने 70 साल से ऐसे गाने किए हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी कल भी रहेगा जन्म जन्म का साथ हो, तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विक्रम मेहरा साहब वो बहुत ही रिसेप्टिव थे और उनकी ये विजनरी जो एक पोजिशन थी उसको मैं बारम्बार सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये जो लिव इन गाना जिसके लिव इन रिलेशनशिप जिसके ऊपर गाने बनाने के लिए उन्होंने अनुमति दी क्योंकि इस पर कभी कोई गाना पूरे विश्व में नहीं बना है. और मैं बारंबार सलाम करना चाहूँगा जावेद अख्तर साहब को भी हु इज़ ऑफ कोर्स आर लिविंग लेजेंड जिन्होंने ये गाना लिखने के लिए हाँ कह दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो कहेंगे कि नहीं नहीं आई डोंट एंडोर्स दैट बट यू नो ऑल व्हेन ग्रेट माइंड्स लाइक विक्रम मेहरा जावेद अख्तर साहब एंड देन वोकलिस्ट्स लाइक मोहित चौहान एंड निकिता गांधी कम टुगेदर आई थिंक सम मैजिक हैपेंस एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद दिस ट्रैक. हमारे पास एक लाइसेंस होता है कि हम कोई भी गाना बना सकते हैं क्योंकि वो फिल्म के किसी ब्रीफ से ड्रिवन नहीं होता है कि फिल्म के कोई एक कंस्ट्रक्ट के हिसाब से गाना नहीं बनता है. तो चाहे फिर वो लिरिक्स हों या चॉइस ऑफ सिंगर्स हो या फिर जॉनरा ऑफ म्यूजिक हो कि हम रॉक करें हिप हॉप करें गजल करें भजन करें, नॉन फिल्म में ये पूरी की पूरी आज़ादी होती है हमें करने के लिए. तो हमें लगता है कि बाकी तो गाने बहुत से रिलीज होते हैं कि तू बेवफा निकली, तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने इतनी मोहब्बत की तो किसी और साथ चली गई, इस टाइप के गाने तो रोज़मर्रे में आ ही रहे हैं और सालों सालों से आ रहे हैं और आज भी हम यूट्यूब ऑन करते हैं तो यही गाने सुनने को मिलते हैं. तो मुझे लगा कि जो हमारी पीढ़ी है आजकल की जो बहुत ही इवॉल्विंग है, ये लव 2.0 के ज़माने में हम रह रहे हैं आजकल जहाँ पर वो पहली जैसी बातें नहीं हुई कि आपने किसी का हाथ पकड़ लिया तो अगले दिन आपको शादी करनी पड़ेगी या कॉफ़ी पी ली तो आप तुरंत से निकाह की बात करें, तो ऐसा नहीं है. पूरी हमारी जो जनरेशन है वो अलग हो चुकी है, उसे इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ये जो मोहर है एक स्टैम्प है दैट डज नॉट एंडोर्स एनीथिंग. तो जावेद साहब ने बहुत ब्यूटीफुल लिखा है कि तुमको जब है मुझसे मोहब्बत और मुझको जब है तुमसे मोहब्बत तो इन रिश्तों को क्या कहलाएं और इस मोहर की क्या है ज़रूरत. तो बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है उन्होंने अपने पंक्तियों में और ये आजकल के सभी बच्चों के यंग यूथ के जहन में है. यही बात है दिल में तुम्हारे, यही बात है दिल में मेरे, कि शादी के दो बोल हों या शुभ विवाह के सातों फेरे, ये सारे कच्चे धागे हैं पल में टूटते हैं ये घेरे, यही बात है दिल में तुम्हारे, यही बात है दिल में मेरे. When I'm in love with you and you're in love with me, I respect you, you respect me, then we can start living. इससे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बिल्डिंग्स और सोसाइटीज के मेंबर्स जो हैं, जो कि आप जानते हैं बहुत बार लिव इन कपल्स को जगह नहीं देते हैं रेंट पे, मैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि ये एकदम गलत है कि आप केवल तभी देंगे जब उनके पास शादी का मोहर होगा.
शादी के मोहर होने के बाद भी सर कटौवल होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो मुझे नहीं लगता है कि सही धारणा है। और अगर हम इन गानों के द्वारा कुछ लोगों की मानसिकता को भी चेंज कर पाए तो हमें लगेगा दैट वी हैव अचीव्ड सक्सेस। आपको ये सॉन्ग कंपोज करने के लिए कितना दिन लगा? देखिए, चूंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने ही लाया था, मेरा ही कॉन्सेप्ट था और मेरे ही जहन में था कि हम ये जो नई चीज़ें हो रही हैं मोहब्बत में आजकल, उस पर कुछ गाने बनाएं, तो मैं खुद बहुत ही एक्साइटेड था कि मुझे ये करना है। जब कोई आपसे कहता है कोई गाना बनाने के लिए, तो वो जो बात आपसे कहता है अगर आपको रेजोनेट होती है तो आप दिल लगा के बनाते हैं, और नहीं तो आप ऐसे ही बनाते हैं। तो ये चूंकि मेरे खुद के जहन से निकली हुई बात थी, मेरा बहुत मन लगा, मेरा बहुत दिल लगा इस गाने को बनाने में। और जैसे कहते हैं ना, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, तो विक्रम मेहरा साहब हों सारेगामा के और उनकी पूरी प्रोलिफिक टीम हो, या फिर जावेद अख्तर साहब हो, मोहित चौहान हो, सब ने खुशी खुशी जब जुड़ते गए तो मेरा और प्रोत्साहन बढ़ता गया और बड़े दिल से हमने ये गाना बनाया। ओके, जावेद अख्तर जी को आपने साथ में लिया, कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस, अगर आप बता सके तो? देखिए, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है और ऊपर वाले की मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी रही है कि जितने भी लेजेंड्स हैं उनके साथ काम करने का मैं आज का एकमात्र कंपोजर हूँ। जैसे कि लता जी, जो मुझे नहीं लगता हमारी जिंदगी से गई हैं, वो तो अभी भी हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या ही उनके गाने सुन कर शुरू होती है और दिन भी खत्म होता है उनके गाने सुनते सुनते। सो मैंने उनके साथ, लता जी के साथ काम किया पेज थ्री में, आशा जी के साथ काम किया, आशा भोसले, मन्ना दा, मन्ना डे साहब, जगजीत सिंह, तो एक जावेद साहब रह गए थे। तो मेरी ये दिली तमन्ना इस गाने से ये भी पूरी हो गई कि जावेद अख्तर साहब के साथ काम करने का मौका मिला, दैट ही अग्रीड टू कोलैबोरेट विथ मी एंड दैट टू ऑन अ सब्जेक्ट विच इज सो सेंसिटिव एंड सो डेलिकेट। तो बड़ा मज़ा आया बिकॉज मैंने जब उन्हें ब्रीफ किया तो उन्होंने बिना ब्लिंकिंग एन आईलिड कहा हाँ मैं जरूर कर दूंगा। मुझे लगा मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा, बट ही इज़ वेरी क्लूड इन डिस्पाइट हिज एज, डिस्पाइट हिज बिजीनेस एंड वेरियस थिंग्स दैट ही डज, ही इज़ वेरी क्लूड इन अबाउट द यूथ एंड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी टुडे। तो बिना ज़्यादा उन्हें समझाए उन्होंने तुरंत से एक आध दिन में मुझे कॉल करके वो लिरिक्स दे दिए और फिर मैंने गाना कंपोज कर दिया। ओके, आज के टाइम पे जैसे कि बहुत सारे जो सिंगर है जैसे ओल्ड सॉन्ग है उसको न्यू वर्जन में कर रहे, तो आप किस पे क्या सोचे? देखिए, रीमेक्स मैं पर्सनली बहुत करता नहीं हूँ, मैंने हार्डली के दुखे किए हैं, पर मुझे लगता है कि रीमेक में एक राइट होता है कॉल्ड मॉरल राइट, जहाँ हमें ओरिजिनल लिरिक राइटर और कंपोजर से अनुमति ले लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के वो गाना बनाया होता है और फिर आज का हम कोई कंपोजर लिरिक राइटर आके उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं तो शायद उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगता होगा। तो मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल कंपोजर लिरिक राइटर हैं उनको, उनसे या उनके जो फैमिली कस्टोडियंस जो जिंदा हैं उनसे हमें अनुमति लेके बनाना चाहिए आइडियली। और पर उसका एक एडवांटेज ज़रूर है, आई डोंट वांट टू कॉल इट बैड, बिकॉज जो नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी है, वो उस पुराने गाने से परिचित हो जाती है, बिकॉज द न्यू साउंड्स दैट द न्यू कंपोजर्स एंड लिरिक राइटर्स ब्रिंग इन, द न्यू म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ब्रिंग इन, उससे नए जो बच्चे हैं उन्हें भी वो पुरानी तर्जें, पुराने गाने फिर से एक बार पता चलने लगते हैं। तो आई थिंक इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, जाते जाते अपने फैंस को क्या, एज अ कंपोजर आप सब अपना सॉन्ग बनाने के टाइम पे आप सबसे पहले क्या चीज देखते हो एज अ कंपोजर? देखिए, मैं म्यूज़िकली बहुत ज़्यादा लर्नड नहीं हूँ और मैं बहुत ऐसा सोचता नहीं हूँ कि इस गाने बनाने के लिए क्या साइंस होना चाहिए। मुझे लगता है कंपोजिंग एक आमद होती है ऊपर वाले की, ऊपर वाला जब हमें आशीर्वाद देता है तो अपने आप चीज़ आ जाती है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी नहीं है। तो जब मैं लिरिक्स पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहली जो भी ट्यून आती है मैं उसी को फिक्स करता हूँ, and that's why I'm just a natural composer, I'm not a very structured composer, so jo bhi lyrics padh kar jo bhi inspiration aati hai wo jis bahav mein le jati hai wahi beh jate hain. Okay, jaate jaate apne fans ko kya kuch kehna chahenge aap?
वेल मैं सब म्यूजिकल फैंस को ये कहना चाहूँगा कि एक तो ओरिजिनल म्यूजिक सुनिए, काउंटरफीट प्रोडक्ट मत सुनिए, और जो आप रोजमर्रे में आपको परोसा जा रहा है म्यूजिक में वो तो आप सुनिए क्योंकि अगर आपको पसंद है, लेकिन जो नई बातें कही जा रही हैं जैसे हमने ये लिव इन रिलेशनशिप पे हमारे गाने के थ्रू एक नई तर्ज, नई जॉनरा, नए लिरिक्स परोसे हैं, तो आप इसे ज़रूर चखिए बिकॉज इट मे चेंज द वे यू कंज्यूम म्यूजिक. Thank you. Thank you, sir. Thank you.